हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रप्रकाश गहलोत। सो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर में जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिवीजन एल्गोरिदम आओ देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, ए क्या होता है अपने डिवाइडेंट होता है, ए क्या होता है डिवाइजर होता है, और ए क्या होता है कोशेंट, या ए क्या होता है अपने रिमाइंडर। अब ये डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइडेंट वो होता है जिसको अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइजर वो होता है जिससे अपने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू अपने आती है उसे क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। अब जो डिवाइड कर लिया मैंने सपोज, तो जब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू अपने एंड में जो बचती है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब अपने टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल, तो अब ये डिवाइजर डिवाइडेंट का इसमें क्या काम है? तो बेसिकली जो डिवीजन एल्गोरिदम है इसका मीन होता है कि अपने किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से क्या करना, डिवाइड करना। तो उसी के अंदर ये क्या आते हैं, डिवाइडेंट, डिवाइजर वगैरह, क्वोशेंट और रिमाइंडर आते हैं। तो अगर मैं क्या मान लू डिवाइडेंट की जगह एक पॉलिनोमियल, लेट सपोज दैट px मान लू, और मैं क्या करूं उस पॉलिनोमियल को gx कोई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल उसे अगर डिवाइड करूं, तो लेट सपोज क्वेश्चन क्या आता है qx और रिमाइंडर क्या बचता है rx। अब इस जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर के अंदर ये क्या आता है, रिलेशन अपने जनरेट होकर आता है। ये रिलेशन क्या होता है, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि px मैंने क्या माना, एक डिवाइडेंट माना, तो px बराबर क्या होगा, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको अपन क्या करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने एग्जांपल इस बोर्ड पे लिख रखा है, तो आओ इस एग्जांपल को समझते हैं। क्या है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ये क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, और ये एक प्रकार का क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। हमें क्या करना है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो गया अपने डिवीजन एल्गोरिदम, इसे ही बोलते हैं बेसिकली, यानी कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो इस डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू अपन क्या करेंगे, डिवाइड करते समय हम देखेंगे कि जो अपने डिवाइडेंट है ये क्या है, अपने डिवाइजर, डिवाइडेंट ये क्या है, डिवाइजर। अपने डिवाइडेंट की जो फर्स्ट टर्म की ओर जाके देखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर, तो फिर अपन जाएंगे जो डिवाइजर है उसकी तरफ जाएंगे। इसकी जो फर्स्ट टर्म मेरे को दिख रही है वो क्या है, x है, तो अपन को क्या करना है, डिवाइजर और जो डिवाइडेंट है इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं क्या करूं, किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि इनकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है, इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 2x से क्या कर दूं, पूरे को अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखें क्या आता है। 2x से अगर मैं जो डिवाइजर उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 4x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 2x से मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू आ रही है उसको अपन क्या करेंगे, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x के नीचे पुट कर देंगे। तो मैंने पुट किया 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब जो मल्टीप्लीकेशन जिस वैल्यू से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, उसको क्या कर देंगे, अपने क्वोशेंट के जगह रख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आई है उसका क्या कर देंगे, साइन रिवर्स कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, यही अपने क्या है, इसका रूल है। तो यहाँ 2x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और यहाँ 4x क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको क्या कर देंगे, अपन नेगेटिव कर देंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर क्या हुआ, आपस में कट गया, तो 2x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ 3x में से माइनस 4x यानी कितना बचेगा, माइनस का x, और ये जो प्लस 1 है उसको मैंने उतार दिया। अब जो डिवाइडेंट है इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या बन गई, अपने माइनस एक्स बन गई, तो यहाँ मैं जो डिवाइजर को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस एक्स बन जाए। तो मैंने क्या कहा, माइनस वन से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है, माइनस एक्स, माइनस टू बन रहा है।
वही सेम प्रोसेस, इस चीज को इसके नीचे उतार दो, तो उतारा माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। अब फिर अपने क्या करो, नेक्स्ट स्टेप साइन देखो, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो इन साइन को क्या कर दो, पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस एक्स कट रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, वन प्लस थ्री क्या हो रहा है, थ्री बच रहा है, और जो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या लिखते हैं, कोशेंट की जगह लिखते हैं, तो यहाँ कोशेंट की जगह मैंने माइनस वन लिख दिया। अब ये थ्री क्या है, इधर देखिए, ये क्या था, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बाद में वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। थ्री क्या है अपने, रिमाइंडर, टू एक्स माइनस वन क्या है, कोशेंट है, एक्स प्लस टू क्या है, डिवाइजर, और ये जो क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन क्या है, डिवाइडेंट है। अब ये जो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, इसको अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में तोड़ते हैं, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन के क्या फैक्टर्स होंगे देखते हैं, इसको इस फॉर्मुलेशन के हिसाब से अगर मैं तोड़ूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को मैं किस फॉर्मुलेशन में लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है, एक्स प्लस टू, ठीक है, और अपने जो कोशेंट है वो क्या है, टू एक्स माइनस वन, ये क्या गया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या है अपने रिमाइंडर थ्री, तो ये क्या हो गया अपने पूरा का पूरा अपने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब तक हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम है उस पर एक सवाल कर लिया, आओ अपन क्या करते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, डिवाइड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ देखो, यहाँ जो है वो अपने एक्स क्यूब की टर्म अपने क्या होनी चाहिए थी, पहली टर्म होनी चाहिए थी, फिर थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है कि इन इन दोनों में अपने जो डिवाइडेंड और जो डिवाइजर, इसमें जो टर्म है वो अपने सही ढंग से रीअरेंज नहीं करके रखी, तो अपन क्या करेंगे इन टर्म्स को अपने सही ढंग से पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, फिर अपने क्या करेंगे, डिवाइड वाला काम करेंगे। तो इन टर्म्स को अगर मैं अरेंज करूँ तो कैसे अरेंज होगी वो देखिए, पहले क्या आएगी, इसकी डिग्री क्या है, थ्री है, तो अपने क्या आएगी, एक्स क्यूब की अपने टर्म अपने डिवाइडेंड में पहले आनी चाहिए, तो ये डिवाइडेंड क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस फिर क्या आएगी अपने थ्री एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का थ्री एक्स प्लस का फाइव, ये क्या चला गया डिवाइड में, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिख रहा है अपने को, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस एक्स, फिर क्या आएगा माइनस वन, फिर अपन क्या करेंगे जो डिवाइडेंड के अपने क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म को देखेंगे, यहाँ अपने को क्या दिख रही है, एक्स क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, इसमें अपन क्या करेंगे, एक्स क्यूब बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू एक्स कर देंगे, बस इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ फिर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब जो इस चीज है, इस चीज को अपन क्या करेंगे, डिवाइडेंड वाले उसके नीचे लिख देंगे, तो यहाँ क्या बना, माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बना, ठीक है, क्या बना, माइनस का एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ उतार दिए, अब फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोशेंट वाली जगह पे ये एक्स लिख देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, अपने साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो इसको प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट रहा है, और यहाँ क्या बचेगा अपने, थ्री एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया टू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है अपने, माइनस का टू एक्स बच रहा है, माइनस का टू एक्स प्लस का फाइव बच रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फिर इसको उतारेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, अब यहाँ पे अपने को क्या बनाना है, टू एक्स स्क्वायर बनाना है, वो भी क्या बनाना है, प्लस का बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस के टू एक्स से अपने क्या कर देंगे, टू सॉरी सॉरी माइनस के टू से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस से टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का टू एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, ठीक है। अभी जो माइनस टू मल्टीप्लाई किया वो क्या कर देंगे, क्वेश्चन में चढ़ा देंगे, तो यहाँ क्या बचा आपने, टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, ठीक है, माइनस का टू एक्स प्लस टू,
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये टर्म कट गई माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, ये टर्म कट गई, और यहाँ क्या बच रहा है अपने पांच में से दो गए की तरफ से तीन बच रहे हैं। तो जो अपने क्वेश्चन क्या बन रहा है एक्स माइनस टू, और जो रिमाइंडर क्या बच रहा है थ्री बच रहा है। तो इस ये जो अपने डिवाइडेंट है इसके अपने फैक्टर्स क्या होंगे इस फॉर्मुलेशन से, डिवाइडेंट बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो करते हैं थ्री, ये जो है इसका जो अपने फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के क्या क्या फैक्टर होंगे, क्या होंगे डिवाइजर, डिवाइजर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू क्या होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है एक्स माइनस टू, और फिर क्या होता है प्लस का थ्री अपने रिमाइंडर में। फ्रेंड्स यहां तक जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है वो क्या हो गया है फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको अपन क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ भूलिएगा नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।